बताया कृष्णा रूपी झगड़ा है थरी कृष्णा न्यारी न्यारी ज्ञान सुनने वाले सुनियो बात हमारी। यहाँ जितने भी आदमी बैठे किसी की भूख प्यास बराबर नहीं भाई, कोई दो रोटियां पेट भरे है कोई चार रोटियां भरे है। एक भाई उड़ा बोई है सुनिया था इसकी न्यारी है भूख से चुकरे मेरा बेटा कामयाब हो जाए पढ़ लिख के, लेकिन बेटा की हो रही सब है घर घर की कहानी हो रही है भाई। बूटा के चाव है बेटा के चाव है सुनियो पहले नंबर पे क्या बताया भाई। सारी दुनिया न्यारी न्यारी सारी दुनिया न्यारी न्यारी सबकी न्यारी न्यारी आस जिस मानस के जिसी तरसना उसके वैसी लाके चाहस सबकी भूख बराबर कोया नहीं एक सी सबकी प्यास सबकी भूख बराबर कोया एक सी सबकी प्यास भाई बुढ़ा चाव है बुढ़ा चाव है बुढ़ा चाव है बेटा मेरा पटके थानेदार हो जा बेटा चाव है बुढ़ा जल्दी टिकट कटा कर तैयार हो जा फिर पाछे तकिले बेचू घर की मोटर पार हो जा फिर पाछे न्यारी न्यारी आस जिस मानस के जिसी तरिश्ना उसके वैसी लाके चास और भाई सबकी भूख बराबर कोनिया नहीं एक सी सबकी प्यास बुढ़ा चावे मेरा बेटा पढ़ के थानेदार हो जा बेटा चावे बुढ़ा जल्दी टिकट कटा कर तैयार हो जा मैं फिर पाछे से किले बेचू मेरे घर की मोटर कार हो जा सारी दुनिया दाता हो जा जो सोचे लोग बिखारी और ज्ञान सुनने वाले सुनियो बात हमारी। दूसरे नंबर पे भाई आड़े दरवाजे में क्या खड़े हो जाओ भाई साहब बैठ जाओ ना कह तो ओड़े बैठ जाओ कहा बैठ जाओ भाई एडवोकेट साहब बिठाई दो। दूसरे नंबर पे यहाँ जितने भी आदमी बैठे हैं सबके एक आधे आदमी के जरूर दुश्मनी पाओगी। जब मेरी जो दो चार आगे दुश्मनी है तो मैंने सोचू भाई मर जाने चाहिए इनकी रात कटे, लेकिन एक को भी इंसान की इसी बताई भाई जिसकी दुश्मनी किसी के नहीं लेकिन वो सोचा जितने मरा उतने बढ़िया। अरे ये मारी लुगाई माता है बहन है इनका आप शरीर पर रोड़ा हो जाओ एक दूसरे से खड़ी मंडेर पर गाल भागेंगी जा तेरा खसम मर जा। एक भली लुगाई सी है भाई जो नो सोचा सारे जगत की सुहागन रहे जा कोई भी नहीं मरे। अरे ये मारे भाई मुंशी वकील भाई एडवोकेट साहब बैठे हैं ये कैसा है सुनिए भाई दूसरे नंबर पे क्या बताया
डॉक्टर न्यू सोचे यो सारा काम बीमार हो जा, मुंशी और वकील सोचे घर घर में तकरार हो जा। और भाई इस कली की आखिरी लाइन, एक आदमी न्यू सोचा करता इस देश का सुधार होना चाहिए, कौन था? स्वामी दयानंद सोचा करते देश का उद्धार हो जा। स्वामी दयानंद चुगली कर बजवा दियो जूत, गुंडे चोर लफंगे सोचे सारे बालक हो जाओ, और वे गंगा जी के पंडे सोचे सब ने खा ले जाए अब दूध। वैद्य डॉक्टर न्यू सोचे सारा काम बीमार हो जाए, मुंशी और वकील सोचे घर घर में तकरार हो जाए, और भाई स्वामी दयानंद सोचा करते इस देश का उद्धार हो जाए। फिर रह सुहागण सदा लुगाई, न्यू सोचे मनी आ रही देख रहा 20 रुपया की चूड़िया खातर अपनी जान बख्शने की दुआ मांग लाग रही, इस तक भली लुगाई कोई पावे नहीं भाई। रह सुहागण सदा लुगाई, न्यू सोचे मनी आ रही, और क्या सुनने वाले सुनियो बात हमारी। तीसरे नंबर पे और कोड़ कोड़ आदमी के चावल, जैसा भाई राजेश बता रहा था, आजकल काम्मा मरांडे घड़े हो तो क्यों छोरे हजार छोरी 800। कई जने तनु पूछ ले भाई बहु कितने लाओगे, आड़े का फेरा नहीं मारे ही सार जी ने, मैं खूब चल रही है बीमारी, मैं एक जगह रागनी गांव लाग रहा, और मैं नु मिला मां बेटी नहीं बचाओगे तो बहु कहां से लाओगे। एक जना पौवा मार रिया नु मिला बिहारता है महाराज, फूफा भी आता बहु तो आ जाएगी, तरह भाती कौन आवेगा, भाती आओगे कई कई पिंडिया है बिहारी, और फिर वे पाटड़े पर खड़े होंगे बात कटे में, और फिर वे लोगों के चौधरी साहब लेन देन का तो है कुंजी नहीं, तो सारे काम की लुआ लो। और कई जने तो इसे डाकी है 20,000 के लिए आवेंगे, 6 महीने पाचे काम की काम में 25 किटे गाय दे, आदमी 18-20 किलो दूध की भैंस लेने चले जाओ तो 50-60 हजार तक आठ को नहीं आवे, और बहु आ जाए 15,000 में 20,000 में, अरे भैंस महंगी और बहु सस्ती, और कई आदमिया तो व्यापार बढ़ा लिया। भाई बेटियों को बचाने की जरूरत है ना, तो भाई काम के लिए इतने रांडे हो रहे होता हूँ, सगाई आ कोई बंदूक दिखाई भी गुनपड़ता, और जो एक आधा कोई आज गलती है पेड़े खा जाएगा भुजिया खा जाएगा, और फिर जो कहगा अच्छा जी घर जाके फोन कर देंगे, मैं स्कूल भी कौन मारा घर जाके देखे जाओ बाट बैठे बैठे। तीसरे नंबर पे इन रंडिया के बारे में बताया भाई, क्या बताया सुनियो भाई, शामिल को नहीं मेरी गल 15-20 आदमी न्यारे काट रखे है, क्या तो इन्हें चंदा चंदा कौन दिया या बातों से।
भाई प्रोग्राम का फायदा जब होता है प्रोग्राम में बैठ के सुनिया जा बाकी थाली पर चाहिए भाई क्या बता तीसरे नंबर पर सुनियो भाई भाई जमींदार को न्यू सोच जमींदार को न्यू सोच इंदर पर सब सरदार बिना उलादा मान सोच मेरा पेट हो जा चार कुर्बा सोच रात कटे फिर हम पर जाई सके कथार कुर्बा सोच चंद्रमासी श्यान हो बाती बोर बढ़ाई समदी चावा छकमा दान हो और भाई रपैया के लास चढ़े तीवड़ बढ़िया खान पान हो जमींदार तो न्यू सोचे हो इंदर पर से मुसलधार बिना उलाता मानस सोचे मेरे बेटे हो जा चार और कुंबा सोचे रांद कटा फिर आम बढ़ जा इसके अकदार फिर टोटे आला न्यू सोचा मन मिल जा रकम उधारी और भाई ज्ञान सुनने वाले को सुनियो बात हमारी आखिरी नंबर पे और कौन कौन आदमी केक के चावे सुनियो भाई क्या होता है चौधरी साहब ने भाई देखिए एक बात बता देता हूं आपको मैं आ रहा हूं अड़ प्यार प्रेम में कोई घड़ा बड़ा गाड़िया नहीं भाई मैं यो भाइया का प्यार प्रेम था जो आपके बीच में बुला लिया और भाई प्यार प्रेम ऐसी चीज होती है जो काम ना होता हो वो प्यार प्रेम में हो जाए मारा गांव में एक सरदार जी ने मुर्गी फार्म कर दिया और मुर्गी फार्म में मुर्गियां ने कर दी हड़ताल अगला सरदार जी की ना खाना ना देता ही नहीं अंडे नहीं देते अगले दिन सरदार जी आया जो भी मुर्गी था वो उसके नीचे अंडे नहीं पाओ बड़ा दुखी होया सारी मुर्गियां बाहर है आचोड़ के खड़ा हो गया आचोड़ दिए सरदार जी ने मुर्गियां गा के खड़ा हो गया नुबलाए मेरी काकियों ए मेरी ताइयों ए मेरी बानो जब मेरा तक प्यार करो हो तो अंडे दे दियो नहीं मेरा फार्म में घाटा लगा और मैं फांसी खा के मरूंगा ये मुर्गियां सोचा क्यों सरदार जी की जान खपाई बेचारा गरीब आदमी है अगला दिन सरदार जी आया सारी मुर्गियां ना करके मीटिंग हड़ताल खत्म अगला दिन सरदार जी आया जो भी मुर्गी खावे उसके नीचे चार अंडे पावा बड़ा राजी होया सरदार जी वसारी कसर काट दी एक मुर्गी कूण में लाग रही दुबकी सी पतली सी मरी सी पंख पंख फाट रहे झाड़िया मुड़ज के सरदार जी ने उसकी ठाया उसके नीचे सिर्फ एक अंडा पाया नुबलिया कंजरी तेन शर्म नहीं आती सारिया चार चार दिखते तेन एक ही दिता तेन मेरे को प्यार नहीं है नुबलिया सरदार जी सारी मुर्गियां चार चार अंडे दिए तने एक के दिया तेरा मेरे तो प्यार कोनी के
ओपन खोल के नुगला सरदार जी प्यार है जब एक दे दिया ना मैं था मुर्खा सू तो भाई मैं तो लिहाज मानते थे नहीं मुर्खा हूं कोई बड़ा बड़ा कलाकार नहीं आखिरी नंबर पे और कौन कौन के किस्सा में सुनी हुई क्या प्रसाद हो चाहगा इसमें बोलने का क्या काम है मोल तो नहीं बेचो हो अब मोल बेचना हो तो खुले खाले लेन देन बोलना पड़ जाए भाई प्रसाद में बोलने का काम नहीं होना चाहिए पही पे ही मान तो न्यू सोचे सारी दुनिया पे ही मान तनी सोचे धर्म कर्म में कितना देना चाहिए मैं न्यू सोचूं भरी सभा में सबके भीतर अरे क्यों क्या भाई जिस मानस की जिसी तरस का उस मानस के वैसे का सांस टूट जा आस छूट जा उसका कौन जीवन ना आशा और तरसना कारण दुनिया कायम उन सीला आशा और तरसना कारण न्यू सोचे